फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको पावर पॉइंट से काउंटडाउन कैसे बनाते हैं वो बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपके स्क्रीन पे जो काउंटडाउन चल रहा है वो मेरा खुद का बनाया हुआ है, जो कि बिल्कुल फ्री वे में रेडी हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको ये अच्छा ना लग रहा हो तो आप बहुत सारी चीज़ें इसमें डाल सकते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले आपको देख लीजिए, 30 सेकंड्स का तक का काउंटडाउन है, तो आपको 30 मतलब स्लाइड्स है वो चाहिए होंगी। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप गूगल पे सर्च कर दीजिए HD सर्कल वॉलपेपर या बैकग्राउंड, तो उसमें आपको बहुत सारे बैकग्राउंड दिखेंगे जिसमें आप अपने काउंटडाउन को बीच में सेट कर सकते हैं। और सर्कल में काउंटडाउन जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है, चाहे आप वॉचिस पे भी लगा सकते हैं अपनी। और हाँ, जो भी सर्कल आप जैसे इमेज आप डाउनलोड करते हैं उसके नीचे कॉपीराइट स्ट्राइक का भी खतरा होता है, तो उसका आप ख्याल रख के जो भी इमेज आप इंपोर्ट करें वो देख लीजिए पहले ही, और उस इमेज को आप डाउनलोड करके अपने पावर पॉइंट में इंसर्ट कर दीजिए, और फिर आप अपना जो है वो सारी चीज़ें लगा लीजिए। जैसे नंबर होते हैं काउंटडाउन के, वो आपको लिख लेने हैं। मैंने बिल्कुल सिंपल वे में रेडी किया था फ्रेंड्स, 30, 29 ऐसे आपको 30 स्लाइड्स लगेंगी अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा बनाते हैं, लेकिन 10 सेकंड्स का भी आप क्रिएट कर सकते हैं जैसा आपको करना है। तो देख लीजिए, यहाँ 30 सेकंड्स तक का मैंने ले रखा है। मैं आपको बहुत मेन पॉइंट्स बताऊंगा इसके, वैसे क्रिएट आपको खुद ही करना है, सारे पे आपको लिख लेना है। मैंने एक इमेज ओपन कर लिया जो डाउनलोड करी थी मैंने, रिंग वाली। अगर आपको ऐसा अच्छा नहीं लगता तो आप उसे यहाँ पे इंसर्ट कर लीजिए पहले, और उसके बाद जो आपको टेक्स्ट लिखना है मतलब जो टाइम लिखना है वो आप लिख लीजिए। जैसे मैं इसे ऊपर कर देता हूँ, देख लीजिए अब ये सामने आ चुकी है बिल्कुल। आप इसे इसके साइज का परफेक्ट भी बना सकते हैं, देख लीजिए इस सर्कल के अंदर आप रख लीजिए तो और भी अच्छा रहेगा। देख लीजिए, मैं इसे साइज में थोड़ा छोटा कर देता हूँ, तो ये इसके साइज का हो चुका है। आप इसे उठा के बीच में रख लीजिए। अगर आप देखें तो यहाँ आपको बहुत सारे इफेक्ट्स, ट्रांजिशन इफेक्ट मिल जाते हैं, और वो आप 30 की 30 स्लाइड पे या 10 बनाते हैं या 3 बनाते हैं, उन पे आपको सेम ही ट्रांजिशन इफेक्ट रखना है। और एक मेन पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, देख लीजिए ट्रांजिशन पे मैंने ये ट्रांजिशन इफेक्ट लगाया है, और अब मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे सारे एक साथ ही चलते जा रहे हैं ट्रांजिशन जो भी हैं। देख लीजिए काउंटर मैंने थोड़ा फास्ट स्पीड कर रखा है इसका, तो इससे हम एग्जिट करते हैं। हम देख लीजिए ट्रांजिशन इफेक्ट में, एक बात का आपको अगर बहुत ख्याल रखना है, आप एक ट्रांजिशन इफेक्ट लगाएं तो बहुत अच्छा लगता है, सभी में एक ही। और एक और चीज़, यहाँ आपको साइड में दिख रहा होगा 1 माउस क्लिक, तो उसमें आपको नीचे टाइम दिख रहा होगा, वो आपको सभी स्लाइड्स में सेम टाइम रखना है। हाँ, सभी स्लाइड्स में सेम टाइम रखेंगे तो आपकी स्लाइड्स अपने आप चलती जाएंगी, और अगर आप बहुत सारी इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए मेरी ये स्लाइड है, आप एनिमेशन लगाएं तो लगा सकते हैं, पर एनिमेशन आपको नहीं लगाना चाहिए, बहुत टाइम लग जाता है इसमें, इसलिए आप ऐसे ना करें। तो देख लीजिए जो मैंने काउंटडाउन बनाया था वो कुछ इस तरह का था। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ जो कि रिकॉर्डेड मेरे पास पड़ी हुई है वीडियो, देख लीजिए ये काउंटडाउन जो मैंने खुद क्रिएट किया था पावर पॉइंट से अपने, वो कुछ ऐसा था। देख लीजिए फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा कुछ ऐसा था ये। वैसे तो आपको जब मैंने दिखाया था बिल्कुल सिंपल था, लेकिन मैंने इसे ऐसा कैसे बनाया मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, अब उतना मैं आपको लिख के नहीं बता रहा हूँ हर एक स्लाइड पे, मैं आपको मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ, आपको लिख लेना है, अपने पीछे का बैकग्राउंड खुद सेट कर लेना है, और जो ट्रांजिशन है उसमें टाइम आपको सेम रखना है, 1 माउस क्लिक पे आपको टिक करना है, और ट्रांजिशन इफेक्ट सब में सेम रखना है, और बैकग्राउंड आप खुद ही चूज़ कर सकते हैं, और राइटिंग का कलर, ये सारी चीज़ें आप खुद ही चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका आपने क्रिएट कर लिया, उसके बाद आप यहाँ से रिकॉर्ड स्लाइड पे जाके स्लाइड को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें आपको स्क्रीन रिकॉर्डर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैं डाल चुका हूँ, जो स्क्रीन रिकॉर्डर बिल्कुल ही फ्री है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगी। तो ये देख लीजिए, यहाँ से आप इसे रिकॉर्ड कर लीजिए। यहाँ पे आपको बार बार एंटर दबाना पड़ेगा अगर आप ये नहीं चाहते हैं, और अपनी क्वालिटी मतलब ये सारी चीज़ें मेंटेन रखना चाहते हैं, तो ये आपको इस पैटर्न से अगर रिकॉर्ड करने में थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसे क्रॉस करके आप दूसरे पैटर्न से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे फुल साइज़ कर लीजिए आप, और एक बार एंटर दबाएंगे आपकी अपने आप ही चलते जाएगी, आपको बस 50 सेकंड्स पे चलते जाना है, अपने आप ही चलती जाएगी और सारी फाइल रिकॉर्ड हो जाएगी। तो वो जो था मैंने आपको ओरिजिनल दिखाया था, वो मेरा थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा अलग था, और जो मेरे असली काउंटडाउन की वीडियो मैंने दिखाई थी उसमें बहुत ही फैक्ट सुंदर लग रहा था वो काफ़ी, तो
वो कैसे करा था, उसका भी बिल्कुल फ्री वे है। आप फिल्मोरा से अच्छा काउंटडाउन खुद ही बना सकते हैं फ्री वे में। ये विंडो वीडियो एडिटर है जिसका ट्यूटोरियल आप आई बटन में जाके देख सकते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स हमें बहुत सारे 3D इफेक्ट्स मिल जाते हैं, वो भी फ्री में। आप वीडियो को रिकॉर्ड कर लीजिए, वीडियो को यहाँ पे इंपोर्ट कर लीजिए। जैसे मैं वीडियो को इंपोर्ट नहीं करके बता रहा हूँ, मैं कोई फोटो ही इंपोर्ट करके बता रहा हूँ, और उसमें आप 3D इफेक्ट्स में चली जाइए। मैं आपको बताऊँगा जो मैंने इफेक्ट यूज़ करा जो मेरे काउंटडाउन के साथ सूट कर रहा था। जैसे मैंने फोटो इंसर्ट करी अभी अभी, काउंटडाउन के साथ जो भी इफेक्ट मेरा सूट कर रहा था मैंने वो इफेक्ट इसमें जोड़ा था। आप कोई भी जोड़ सकते हैं, बहुत सारे फ्री हैं बिल्कुल इफेक्ट्स, और एडिटिंग इसकी बहुत ही अच्छी है। देख लीजिए आप, यहाँ पे मैं इफेक्ट्स पे चला जाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कौन सा यूज़ किया था। मैंने फ्रेंड्स लेंस स्प्रिंकल यूज़ करा था, लेंस स्प्रिंकल ये जो है वो मैंने यूज़ करा था इसमें। आप भी चाहें तो इस इफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। और मेन बात जो कि थी पावर पॉइंट में काउंटडाउन बनाने की, वो ट्रांजिशन में आपको जो साइड में टाइम था वो सब में सेम ही रखना है। वो अलग हुआ तो सारा काउंटडाउन खराब हो जाएगा, इस बात का आपको पूरी तरह से ख्याल रखना है।